माहे रजब की पहली तारीख थी जब इस दुनिया में ये पांचवा चांद नमूदार हुआ और इसकी रोशनी से सारा मदीना मुनव्वर हो गया। कुदरत का ये ख़ास एहतमाम था कि आपको सिलसिला इमामत का पांचवा इमाम और सिलसिला इस्मत का सातवां मासूम करार दिया। इमाम अलैहिस्सलाम का इस्मे ग्रामी इल्हाम खुदावंदी के मुताबिक मुहम्मद करार पाया, जो सिलसिला इस्मत में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहली मर्तबा इख्तियार किया गया। इमाम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू जाफ़र करार पाई और इमाम अलैहिस्सलाम के अलकाब बाकिर, शाकिर और हादी वगैरह करार पाए, जिनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर लकब बाकिर या बाकिर अल उलूम अल नबीयीन या बाकिर अल उलूम अल अव्वलीन वल आखिरीन करार पाया। आप अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की वालदा ग्रामी जनाब फ़ातिमा बिनतुल हसन अलैहिस्सलाम थी और इस एतबार से आपको इब्नुल खैरतैन कहा जाता है, क्योंकि आप माँ बाप दोनों तरफ से हाशमी और अलवी हैं। ख़ानदानी एतबार से 61 हिजरी के आगाज़ तक ज़िंदगी के 3.5 साल आपने अपने जद्दे बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया गुजारे। उसके बाद 90 हिजरी तक तकरीबन 38 साल वालिद बुजुर्गवार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे और 95 हिजरी के बाद 19 साल अपना दौरे क़यादत गुजारा, जिसमें इस्लाम की तमाम तर ज़िम्मेदारी आपके ऊपर थी और आपने उसे बाकमाल हुस्न व खूबी से अंजाम दिया। और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की फजीलतों में से एक फजीलत ये है कि एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी जनाब जाबिर से फरमाया, जाबिर तेरी मुलाकात यकीनन मेरे पांचवें वसी से होगी जो मेरा हमनाम होगा, जब उससे मुलाकात करो तो मेरा सलाम उस तक पहुँचा देना। एक दिन जनाब जाबिर हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आ रहा था। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का दौरे बचपन था। दरवाज़े पर उसने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने पूछा, आप कौन हैं? इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद इब्ने अली इब्ने हुसैन हूँ। जाबिर ने कहा, ज़रा एक मर्तबा मेरी तरफ आए। इमाम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जनाब जाबिर बेसाख्ता इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगे, आप तो रफ्तार में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जाबिर, जब तस्दीक हो गई है तो अब वो पैगाम भी पहुँचा दो जिसका आपको हुक्म दिया गया था। ये सुनते ही जनाब जाबिर आगे बढ़कर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की पेशानी का बोसा लेने लगे और अर्ज़ करने लगे, बस इस बात का इंतज़ार था आपको सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फरमा रहे थे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ता कयामत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और आप पर भी सलाम हो। एक मर्तबा इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम बचपन में खुदा की मसलहत की बिना पर कुएं में गिर गए। उस वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे और अहले खाना सब परेशान थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान के साथ नमाज को तमाम किया। उसके बाद जब अपने फर्जंद को कुएं से बाहर निकाला तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का लिबास भी तरना हुआ था, इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम खुश्क व तर दोनों का हाकिम होता है और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई उसे मुतासिर नहीं कर सकता। इमाम अलैहिस्सलाम के अक़वाल हकीमाना, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस आलिम के इल्म से फ़ायदा उठाया जाए वो 70,000 आबिदों से बेहतर है। 3 चीज़ें दुनिया और आखिरत के मकारम में हैं, ज़ुल्म करने वाले को माफ़ कर देना, कत्ता ताल्लुकात करने वालों से सिला रहमी करना और जाहिलों की जहालत को बर्दाश्त करना। और इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नेकियों के 4 खजाने हैं, हाजत का पोशीदा रखना,
सदका का छुपा कर देना, दर्द का इजहार न करना और मुसीबत का बयान न करना।